मून वाइट मून वाइट ने जो आज ऑर्गेनाइज किया, क्या कहना चाहेंगे, कितना स्पेशल है और सिनेमा लवर्स के लिए कितनी बड़ी ट्रीट होने वाली है? सर आप पूछ सर में ठीक है। हेलो नमस्कार, देखिए ये हमारा 7वां साल है एंड इसको जो प्रेजेंट करते हैं SBI इन एसोसिएशन विद श्री अनूप जलोटा जी एंड इसके इस बार जो को पावर्ड बने हैं वो महाराष्ट्र टूरिज्म बने हुए हैं। रही बात फिल्म फेस्टिवल की, तो ये 7वां साल होने की वजह से ये तो हमें ग्रैंड दिख रहा है एंड ऑलवेज हम जिस तरह मानते हैं कि 7 जो होता है वो बहुत ही लक्की नंबर होता है एंड वो हमें दिख रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से हम गोल्ड सिनेमा में कर रहे थे एंड इस बार सबके ब्लेसिंग की वजह से, सबके प्यार की वजह से आईनॉक्स इस बार मिल गया हमें एंड वी आर स्क्रीनिंग एट आईनॉक्स। रही मूवीज़ की बात, तो मोर देन 20 फिल्म जो ग्रैंड, जिसको वैसे मूवी तो बहुत आती है बट जो ग्रैंड मूवी है उसमें से 20 मूवी जो है हम उसको सिलेक्शन हमारी जूरीज ने किया और हमने मिलके एंड उसमें से वन ऑफ द एनिमेशन जो मूवी अभी चल रही है जो प्रीमियर हुई अभी हमारे फिल्म फेस्टिवल में वो है जो लेजेंड जो है हनुमान जी उनका एनिमेशन लेजेंड ऑफ हनुमान एंड उसके बाद बाहुबली वो भी एनिमेशन मूवीज़ हैं ये हॉटस्टार के स्ट्रीमिंग चल रही है, काफ़ी मिलियंस एंड मिलियंस इसके हिट जा रहे हैं एक्चुअली ट्रेंडिंग में है। जी जी तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 का जो अंक होता है ना वो बड़ा विशेष होता है, 7 रंग 7 स्वर 7 महाद्वीप 7 सागर और ये हमारा 7वां साल, ये 7वां साल है, है ना। तो हम लोगों ने अभी सारे गामा पाधा नी तक जो आए हैं ना तो ये बड़ी मेहनत से आए हैं, देवाशीष जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये करते हैं, तो इनका इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल गेन का कोई इनका मकसद नहीं रहता और हम सबका ये मकसद नहीं है। हम सबका मकसद ये है कि फिल्मों के ज़रिए से जो अच्छी अच्छी जो जो टैलेंट्स हैं या जो कि डायरेक्शन के हैं या जो हमारे एक्टर्स हैं या किसी भी फील्ड के हैं फिल्म से जुड़े हुए, उनको एक चांस मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले और अच्छी अच्छी फिल्में, क्योंकि फिल्में समाज का दर्पण है लोग कहते हैं, बिल्कुल अच्छी अच्छी फिल्मों के माध्यम से अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स जो हैं वो लोगों को देखने को मिले, इससे कुछ सीखने को मिले और समाज में उसका भला हो। सब लोग कभी ना कभी ज़िंदगी में शुरुआत करते हैं अपनी अपनी फील्ड में, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह के कोई भी प्रोफेशन हो। बिल्कुल। तो हमारा ये अब प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आएगा उसको सक्सेस कुछ ना कुछ मिलनी ज़रूरी है, उसको मिलेगी ही मिलेगी। तो जो नए लोग, नए डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, फिर वो आगे और बड़ी बड़ी जगह जाएंगे, उनकी फिल्में जाएंगी, उनको और चांस मिलेगा। जी 7वां साल आप लोग सेलिब्रेट करें, अगर थोड़ा सा बताया उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये 2018 में हमने स्टार्ट किया था एंड लकीली उस साल जो है आपको अगर याद होगा कि अनूप जी बिग बॉस में गए हुए थे एंड उसकी वजह से काफ़ी, और उसी साल हमारे फिल्म फेस्टिवल में वो जूरी बने थे तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी हाइप भी मिली एंड हर साल ये बढ़ते गया है एंड पिछले साल अगर आपको याद होगा मीडिया ने भी इसको दिखाया था, गवर्नर सर आए हुए थे, रमेश ब्यास जी आए हुए थे एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है। ऑफ कोर्स उस ये 7 साल के जर्नी में कोविड की जर्नी भी हमने फेस किया है और उस वक्त भी हमने फेस्टिवल को बंद नहीं किया था, उस वक्त भी हम ऑनलाइन हमने किया था एंड काफ़ी सक्सेस मिला था क्योंकि उस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड से एंड कॉन्सुलेट वगैरह सब ज्वाइन हुए थे, तो काफ़ी मतलब हमें सक्सेस मिला है एंड आज जो एक फिल्म फेस्टिवल के थ्रू अगर आपका एक कमर्शियल थिएटर में अगर आपकी मूवी यहाँ पर प्ले हो रही है, जैसे आईनॉक्स एंड PVR इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, इसके ऊपर तो आप कुछ है नहीं, वहाँ पर अगर फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्में अगर प्ले हो रही है तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट, जिसको ड्रीम बोलते हैं एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग खुद भी करता हूँ और हम हमेशा चाहते हैं कि उस लेवल पे हम जाएं जहाँ पर इतने बड़े लेवल पे कमर्शियल मूवी रिलीज़ होती है। सो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये सबके सपोर्ट से, सबके और खासकर के मीडिया इस चीज़ों को लोगों के बीच में पहुंचाती है, तब लोग हम ज्वाइन करते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मीडिया पीपल हियर एंड एवरी ईयर दे जॉइन अस एंड हिमांशु जी जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं एंड मीडिया ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, और कितने दिन होने वाला है ये? आज तो स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम और कल जो है इसका अवार्ड सेरेमनी होने वाला है।
बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें आई हैं आज भी, जैसे एनिमेशन मैंने आपको बताई है, उसके बाद एक भोजपुरी मूवी इस बार आई हुई है जया करके, जो कि उनकी जो एक्ट्रेस है बहुत फेमस है, उनका मैंने काम भी देखा है, और ऑफकोर्स अगर वो सिलेक्शन हुई है तो होप फॉर द बेस्ट, हाँ तो वो आई हुई है, और हुनर करके मूवी आई हुई है जिसमें रोहित रॉय है, एंड वो एक मूवी जो है क्रिकेट के ऊपर, बाप और बेटे के ऊपर, एक्चुअली फादर एंड डैड के ऊपर मूवी बनी है, एंड वो भी पिक्चर काफ़ी अच्छी है। सो वो कल, अब सब सारे लोग कल अवार्ड्स के लिए आने वाले हैं, तो कल भी बहुत धमाल होने वाला है 8 दिसंबर, और ये मुक्ति ऑडिटोरियम में होने वाला है, एंड इसमें गाने का प्रोग्राम जो ऑब्वियसली हम हर साल करते हैं हो गई होगा, तो और अनुप जी और आए, और गाना ना हो वैसे तो हो ही नहीं सकता है जी। 8 तारीख बच्चा 6-7 साल का होता है ना, तो कहते हैं दूध के दांत टूट गए उसके, अब हम लोग बड़े, अब हम लोग यहाँ से जो आगे की जर्नी होगी ना, अब यहाँ से 16 साल तक और जर्नी हमारी और स्ट्रांग और अच्छी और मजबूत होने वाली है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कल जो है, मैं वो अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इतने सा बता दूंगा कि कल जो है एक गाने का जो है वो लॉन्च होने वाला है, कल हमारे यहाँ एक पोस्टर लॉन्च होने वाला है, और उसके जो लिरिसिस्ट हैं वो कुमार हैं, और बाकी ये जो है थोड़ा सस्पेंस रखेंगे, वो कल पता चलेगा कि कल क्या होने वाला है। कल भी आप सबको आना है, आपको सबको आना है। ओके सोनम जी, सबसे पहले फाइट ने आज इनिशिएटिव लिया है यहां पर फिल्म स्क्रीनिंग करने का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो नए डायरेक्टर्स हैं उनकी फिल्मों को भी यहां पर स्क्रीन किया जा रहा है, बहुत सारी एनिमेटेड फिल्में हैं यहां पर, क्योंकि बड़े बड़े ओटीटी पर ट्रेंड में है, जैसे हनुमान की बात करें, Yeah, first of all, very very congratulations. Thank you. Devashish and that Moonlight Film Festival. कि ये प्लेटफॉर्म दिया उन सब फिल्म्स को जिनको बाहर कहीं और रिकग्नाइजेशन नहीं मिल पाता. So, yeah, of course, I'm an artist. और being an artist, मुझे लगता है कि एक एक्टर को अवार्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और एप्रिसिएशन मिलना चाहिए. हाँ, और कितनी सारी ऐसी सी जो ए लिस्टेड फिल्म्स है उसको तो सब देख लेते हैं, लेकिन उससे नीचे और भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर हैं, जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं या डायरेक्शन करते हैं, सिनेमाटोग्राफी होती है, उन्हें कौन देखेगा. सो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म अगर है, सो ऑफकोर्स आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि देवाशीष ने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया, एंड देन आज ये यहाँ पर हो रहा है. सो ऑफकोर्स मैं यही बोलूँगी. सबसे पहले तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देवाशीष जी, एंड थैंक्स बोलती हूँ विवेक प्रकाश जी एंड आपको मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए. पिछले साल भी मैं यहाँ थी, एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक करीबन आपके 7 या 8 मूवीज आज रिलीज हो रहे हैं. हाँ. जिसमें से आई थिंक 7 एनिमेटेड मूवीज हैं. नो, दो एनिमेटेड. हाँ. दो कुछ म्यूजिक वीडियो भी हैं जो आज निकल रहे हैं, मैंने रिलीज हो रहे हैं. हाँ. सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप ऐसे ही काम मेहनत करते रहिए, अगले साल भी आपका और मूवीज रिलीज हो यही आशा करते हैं. एंड जो भी काम हम करें, चाहे हम सिंगर हों, आर्टिस्ट हों, फिल्म प्रोडक्शन करें, जब तक हम उस पर पूरा डूब नहीं जाते तो वो निखर के नहीं आता है काम. तो कुछ भी हम क्रिएटिव काम करते तो थोड़ा पागलपन होना ज़रूरी है उस काम के लिए, तभी हम उसको अच्छे से बाहर ले पेश कर सकते हैं. फैक्ट हम बताना चाहेंगे एज एन आर्टिस्ट कि मैं कुछ काम इनके साथ करूंगी. वी हैव डन टुगेदर एक म्यूजिक वीडियो तो हमने बहुत साल पहले किया था, और वहीं से हमारी मुलाकात हुई थी. और इन फ्यूचर, सी दैट आई डोंट नो, दैट यू हैव टू आस्क फ्रॉम देवाशीष, वो ये बताएंगे. डेफिनेटली शी इज अ वेरी बिग एक्ट्रेस, और मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ. टीवी सीरियल में तो ये छा ही गई थी, काफ़ी CIDs वगैरह इन्होंने किया है, और इंस्पेक्टर क्राइम पेट्रोल. नो, बट आई हैव डन बाटला हाउस आल्सो, एंड रिसेंटली मेरी फिल्म भी आने वाली है शैला, जो कि 7 फरवरी को रिलीज होने वाली है इन सिनेमा. 7 वो भी देखिए 7 आ गया. हां, अच्छा, ओह या यस, दिस इज 7th ईयर. हां, 7 फेब को रिलीज होने वाली है इन सिनेमा. तो थैंक यू सो मच फिल्म. देखिए ऐसा है कि ये 7वां साल है. मकसद बहुत साफ है कि जो लोग छोटी छोटी फिल्में बना लेते हैं, बहुत उम्मीद करते हैं कि कुछ आगे बढ़ें, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है. और वैसे भी ये जो साल है ये 7वां साल है,
और वैसे भी हमारे एक बंधु बोल के चले गए कि 7 नंबर जो है वो बड़ा ही लकी माना जाता है, तो लकी तो है लेकिन इससे ज़्यादा लकी जो होगा वो 8वां साल होगा। मैंने जितनी भी फिल्में इन्होंने देखी हैं, क्योंकि मैं बतौर जूरी फिल्में जो हमने देखा तो मुझे समझ में आया कि लोगों ने बहुत ही दिल से प्रयास किया है और उनका फल उन्हें मिल रहा है जो हम लोग दे रहे हैं, और साथ साथ में आने वाला समय बहुत उत्तम है, बढ़िया है। और ये जो एक ही हमारे सुपुत्र हुए, ये हमारी धर्मपत्नी हुई और मैं तो हूँ ही सुभाषित राज, और ये मेरा बेटा हुआ, तो इस तरह सब ने मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की अपने अपने ढंग से, और बात यहाँ तक पहुँची है 7वां साल। और आपको पता है कि 7 नाभ से ही निकलता है, यह 7 सुर भी है जो बंधु बोल गए, और 8वां जो है वो चूँकि मैं 40 साल से मैंने एस्ट्रोलॉजी ही की है, तो ये जो 00020 होके जो 8 बनता है ये ब्रह्मांड का नंबर होता है, और ये अभी आगे आने वाले साल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मकसद बहुत साफ सुथरा है और इसको ज़मीन से हम लोग आसमान की तरफ ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं तो बहुत खुश हूँ देवाशीष ने इस छोटे से बच्चे को बहुत आगे बढ़ाया, और आप लोग की वजह से आज हम लोग हैं, आप लोग नहीं तो कुछ नहीं है, तो बस आप लोग से ही कहेंगे कि बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, अगले साल कुछ और धमाल हम लोग कर सके, आप लोग की सहयोग होना चाहिए, बस थैंक्स। क्योंकि आप मीडिया हैं और वो जनता के पास हमें पहुँचाते हैं, तो दोनों मिलकर के आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग अपना जो कर्म है, अपना जो काम है वो बहुत सही तरीके से ईश्वर को साक्षी मान के आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।